दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम क्रैक करने के बारे में कि कैसे आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोग खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेकिन दूसरों को दोष देते हैं कि आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या उनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या इसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा वो बिल्कुल सत्य होंगी और हो सकता है आपको कटु भी लगे क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक ठाक है, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है, जो कुछ करना है वो करें, आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी के प्रति गंभीर हैं, आप चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, अगर गंभीर नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए और बाहर निकल जाइए। इस वीडियो में आपको यह भी नहीं कहूंगी कि आप वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद नहीं आता है अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर्स रहे वो जेन्युइन रहे और जो वाकई में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वाकई में टीजीटी पीजीटी क्रैक करना चाहते हैं वही चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी भीड़ जुटाने की हमें जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन वे में, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जब भी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये तीन काम आपको करने चाहिए। सबसे पहले क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, इन तीन चीजों पर आप सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी और पीजीटी में जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिलेबस तक नहीं देखते हैं और चलते हैं टीजीटी पीजीटी तैयारी करने, तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ना मिले हमें बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, हम आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा देंगे। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देखिए डिटेल से सिलेबस को पढ़िए और अपने पास सिलेबस की हार्ड कॉपी रखिए, साथ में दो तीन पेज के प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सिलेबस का, अपने पास रखिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। देखो ये जो टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम है, जितना आपको परीक्षा में आना है उतना ही पढ़ना है, पीएचडी आपको नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पीएचडी करने लग जाते हैं जब तैयारी करते हैं, तो पीएचडी नहीं करनी है आपको, प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करते हुए जो ऑफिशियल सिलेबस बताया गया है चयन बोर्ड के द्वारा उसको फॉलो करते हुए सिर्फ उतना ही पढ़ो, ठीक है। और एक बात कहूंगा, आप कंटेंट को डीप पढ़ो, डीपली पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से तैयारी करनी है आपको, ठीक है। किसी भी नोट्स वगैरह मार्केट में बहुत से ऐसे फर्जी नोट्स बिक रहे हैं, तो अगर नोट्स जेन्युइन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में इससे बहुत से गोरख धंधा चल रहा है, उन सब चीजों को आप देखते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल वाकई में नोट्स वगैरह अच्छे हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो कहूंगा जो बुक होती है, जो ओरिजिनल बुक्स होती है, ठीक है, जैसे कि यूपी बोर्ड में जो बुक्स चलती है टीजीटी पीजीटी के लिए, मैं कहूंगा आप यूपी बोर्ड में जो बुक्स चलती है ये जो बुक्स ऐसी है उसमें क्या पूरा एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए बुक्स इस समय चल रही है यूपी बोर्ड में, तो 9th से 12th की बुक ले सकते हैं आप, उनसे अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर कुछ बीएससी का पोर्शन या बीए का पोर्शन उसमें आता है तो उसके लिए भी आप उनका मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करना होगा क्या पढ़ना है, उसके बाद डिसाइड करना है कितना पढ़ना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कहाँ से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कहाँ से पढ़ना है। इस समय देखो तो इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट में कंटेंट की कहीं नहीं कमी है, इंटरनेट में कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, चाहे आप यूट्यूब ले लो, हर टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, हर विषय का मिल जाएगा, ठीक है। इंटरनेट में चले जाओ, गूगल में चले जाओ, हर चीज मिल जाएगी आपको, आजकल तो टेलीग्राम चल गया, टेलीग्राम में ढेर बार नोट्स मिल जाएंगे, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि कहां से पढ़ना है। देखो अगर एक जगह टारगेट रह करके पढ़ोगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, और अगर भटकते रह गए तो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जाते रहोगे, कोई भी एक रेगुलर वे में, एक प्रॉपर वे में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, ना सिलेबस आप इस तरीके से कभी पूर्ण कर पाएंगे। तो एक सोर्स ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब ले लीजिए कि कोचिंग ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो उसको लेकर के आप टारगेट करके उसी से पढ़ो। इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको फ्री कंटेंट से पढ़ना है या पेड कंटेंट से पढ़ना है, यानी फ्री कंटेंट का मतलब मेरा यहाँ पर सेल्फ स्टडी से है,
अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी में जो आपके पास बुक्स है उनको आप प्रेफरेंस दो, उनसे पढ़ाई करो। फ्री के चक्कर में टेलीग्राम पर यहाँ पर वहां पर इस तरीके से मत भागो, क्योंकि भागना एक बहुत ही समस्या खतरनाक है, फिर उसमें आप रेगुलर सही से नहीं पढ़ पाएंगे, अब दिक्कत आपको आएगी। और अगर पेड़ का मतलब यहाँ पर मेरा है, अगर किसी कोचिंग की मदद ले रहे हैं तो फिर उस कोचिंग के अनुसार ही आप वहां पर तैयारी करो, जो जैसा वहां पर बताया जा रहा है उसके अनुसार ही चलो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो फिर आपका समय लॉस होगा, प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और लिखा है कि सोर्स लिमिटेड कर दो और टाइम अनलिमिटेड कर दो। सोर्स लिमिटेड करने का मतलब मेरा यही है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर जगह कंटेंट मिल जाएगा आपको, तो हर जगह मत भागो, कोई एक सोर्स पकड़ लो, ठीक है, उस सोर्स को अच्छी तरीके से पड़ताल कर लो, भले ही दो दिन का समय लगा लो उसमें, अच्छी तरीके से पड़ताल कर लो। अगर आपको लगता कि ये सोर्स हमारा अच्छा है, यहाँ से हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से हम कोचिंग ले सकते हैं, तो वहीं से पढ़ो। ठीक है, टाइम अनलिमिटेड का मेरा मतलब ये है कि जितना टाइम ज्यादा दे सकते हो आप उतना ज्यादा टाइम दीजिए। ये मत सोचिए कि आज हमें 3 घंटा पढ़ना कि 4 घंटा पढ़ना, मैक्सिमम जितना आप टाइम निकाल पाए उतना टाइम आपको निकालना चाहिए। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा टाइम कम दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा पहले से ज्यादा समय तक पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपको समय मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज करिए स्टडी में, ये वीडियो देख करके, वो वीडियो देख करके, ये इंस्टाग्राम चला करके, वो रील्स देख करके, इसमें समय मत बर्बाद करिए। कोशिश करिए कि पढ़ने का टाइम आपके पास मोबाइल हो ही ना, सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, तो टाइम अनलिमिटेड करने का मतलब यही है कि जितने ज्यादा आप स्टडी में टाइम दे सकते हैं उतना दीजिए। ठीक है, और इसके बाद तीसरा, जब भी आप पढ़ाई करें तो कंसिस्टेंसी जरूर फॉलो करें। कंसिस्टेंसी का मेरा मतलब है रेगुलरिटी मेंटेन करें। अगर आज हमने 4 घंटे पढ़ा तो कल भी हमें 4 घंटे पढ़ना है, अगर कल 4 घंटा पढ़ा है तो अगले दिन भी हमें 4 घंटा पढ़ना है। जितना आप मिनिमम दे सकते हैं या मैक्सिमम दे सकते हैं उसके अनुसार आपको डेली फॉलो करना है। कभी कभी ऐसा होता है जोश जोश में हम लोग शुरू एक दो दिन तो पढ़ लेते हैं 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन 10 दिन गैप हो जाता है बीच में और फिर फ्लो नहीं बन पाता है आपका। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है, रेगुलर बेसिस पर आपको रिवीजन करना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसको लोग अनदेखा करते हैं। तो प्रीवियस पेपर जरूर देखिए कि पिछले जो पेपर हुए हैं कैसे हुए, क्या लेवल रहा है ना, कितना उसमें स्कोर जाता रहा है, क्या कट ऑफ जाती रही, इन सब चीजों का आकलन करिए आप लोग एक बार। सेल्फ स्टडी करें या किसी कुछ भी करें, लेकिन इसका आपको आकलन जरूर करना चाहिए कि कैसे पेपर आ रहे हैं, क्या कट ऑफ जाता रहा है। ठीक है, प्रीवियस पेपर जरूर देखें, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सबको देखते हुए अपने तैयारी करें। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, कम से कम 1 महीना टाइम दो अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, स्टडी के बाद अपना 1 महीना कम से कम आपके पास समय होना चाहिए फाइनल एग्जाम के लिए, यानी फाइनल एग्जाम से 1 महीना पहले आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उस बीच जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगा पाए उतने ज्यादा लगाओ, प्रैक्टिस सेट ही आपकी रियल पहचान कराएंगे, रियल आपको दिलवाएंगे मार्क्स मेन एग्जाम में। प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी कमियों को पकड़ पाएंगे, अपना लेवल जान पाएंगे, दूसरों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे, अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे, ये सारी चीजें मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से होती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को फॉलो करिए, नहीं तो फिर बाद में यही होगा कि उसका सिलेक्शन हो गया इतने नंबर से और मेरा रह गया इतने नंबर से, मेरा रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, वो 1 साल में आया तैयारी करके चला गया, ज्वाइन कर लिया। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो आज यही कर रहे हैं, और आप में से भी एक बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यही सोच रहे होंगे, यही कर रहे होंगे। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आप खुद पर उंगली उठाया करिए कि अगले बंदे ने कितना पढ़ा है और मैंने कितना पढ़ा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने वास्तव में पढ़ाई नहीं करी, ये यहाँ पर हमारी कमी रह गई, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत से लोग दूसरों को पॉइंट करते हैं लेकिन खुद नहीं देखते कि हमारी क्या गलती रही, हमने क्या किया है। ठीक है, तो इन चीजों को देखिए आप लोग। और जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है जितने इसमें वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी टीजीटी के जितने भी विषय होते हैं, लगभग जो बड़े बड़े विषय जितने होते हैं, उन सबकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगा,
फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा, वो भी एक साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत है, आपको डिमांड है, आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो आप सबके लिए हमने इसका देखिए टीचिंग एग्जाम पैक लॉन्च कर दिया है। एक साल की पूरी वैलिडिटी इसमें मिलेगी, और इसके साथ ही ऑल इंडिया के जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि KVS हो गया, DSSP हो गया, UPTET हो गया, CTET हो गया, SuperTET हो गया, AES हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, और भी ऑल इंडिया के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको एक साथ मिलेगी। इसमें करीब 8900 टेस्ट हैं। ठीक है, तो 8900 टेस्ट हैं, इनको अगर आप लेना चाहें तो बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। वैसे इसका प्राइस तो 1000 है, लेकिन अगर अभी फेस्टिवल ऑफर के तहत ये मात्र 699 में आपको मिल रहा है, तो मैं तो कहूंगा आप सबको इसका टेस्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, और आपकी सफलता में जरूर आपको ये 100% एक्यूरेसी लेवल तक ले जाएगा। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में, बहुत कुछ आता होता लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो ये सारी चीजें आप अपना प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से सुधार सकते हैं। साथ में यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक वगैरह भी मिलती है, तो आपको पता चलेगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारी रैंक आ रही है यहाँ पर। तो जो यहाँ रैंक आएगी वही मान लीजिए मेन एग्जाम में भी आपकी रैंक आने वाली है। तो जब यहाँ अच्छी नहीं कर पाओगे तो मेन एग्जाम में मत एक्सपेक्ट करो कि वहां पर हम अच्छी ले आएंगे, वहां कोई जादू नहीं चलने वाला है। सारी चीजें पहले से आपके पास प्री प्लान्ड होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम प्रिपरेशन बाय AVTech, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डेमो भी ले सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी है कि स्टूडेंट जो होता है साल भर में कई सारे टीचिंग एग्जाम देता है, जैसे सपोज करो आप UPTGT दे रहे हैं, इसके बाद हो सकता है आप दिल्ली से DSSP आने वाली उसकी देंगे, KVS की देंगे, या अन्य जो राज्यों के TGT-PGT एग्जाम होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं देते रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, सारी टेस्ट सीरीज आपको एक साथ मिल जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा, एक साल तक सारी TGT जो एग्जाम्स होते हैं उनकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कितने में, 699 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दो, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दो, चैनल पसंद नहीं आया अनसब्सक्राइब कर दो, और सब पसंद आ गया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपका भला होगा वहां पर। धन्यवाद।